तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ है कब हुआ है, 12 फरवरी 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ है, मतलब ये 2019 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है ज्योग्राफी का, मतलब भूगोल का ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें सारे क्वेश्चंस जो है इसके सारे आंसर हम लोग देखने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को, और साथ में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। चलिए हम लोग आंसर को एक एक करके बारी बारी से हम लोग मिला लेते हैं। फिलहाल जो मेरे पास सेट उपलब्ध है वो सेट नंबर डी है। अगर आपका ए से लेके जे तक में कोई भी सेट हो तो आप लोग मिला लीजिए आराम से, क्वेश्चन सेम ही है, बस वही है नंबरिंग का डिफरेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है एकदम उसका आंसर की बात करें तो एकदम 100% राइट है, करेक्ट है। आप लोग अगर डाउट होता है तो आप लोग चेक कर सकते हैं अपने बुक से, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का सही आंसर दिया गया है। और अगर इस ये अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो है हम लोग ऐसे और भी सब्जेक्ट का ऐसे वीडियोस लाए, तो लाइक प्लीज़ जरूर कर दीजिए। और जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस उनको भी मिले और आपको भी मिले, तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो पहले जाके शेयर कर दीजिए फिर आके ये वीडियो देखिए, शेयर कर दीजिए, नीचे शेयर का बटन होगा। पहला क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पर क्या है, चलिए, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। फिर हमारे यहाँ पे दो नंबर क्वेश्चन क्या जाती है, चलिए दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी दो का डी, मृदा लवणता, ठीक है। फिर तीन नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तीन नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्या चीज़, चलिए टोटल जो 35 क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, तीन नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान का, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए चार नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीन का राइट आंसर हो जाएगा बी पाकिस्तान, चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए चार क्वेश्चन नंबर क्या है, चार नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चार का यहाँ पे सी हो जाएगा, सीमांत भूमि। फिर हम लोग पाँच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पाँच नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ब्रिलियंट में तमिलनाडु दिया हुआ है लेकिन अगर गूगल की बात करें तो उसमें गोवा आ जाता है, वैसे भी यहाँ पर गोवा राइट आंसर होगी बुक में, और लूसेंट ब्रिलियंट में यही तमिलनाडु दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर गोवा राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर। चलिए हम लोग छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छः नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी छः का सी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि से। चलिए सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, तो यहाँ पे NH44 जो नया बना है तो NH44 हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि जो है ऐसे वीडियोस आपके लिए लाए, लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। आप लोग आठ नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप लोग मिलाते हुए चलिए, यहाँ पे क्या आ जाती है क्वेश्चन, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आठ का हो जाएगा सी, वृत्ताकार, क्या चीज़, सर्कुलर। फिर हम लोग नाइन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नौ नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगी, नौ का आंसर सी हो जाएगी, विस्तृत पतन, ठीक है। फिर दस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दस नंबर क्वेश्चन में आ जाती है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसका साक्षरता दर अधिकतम है, यहाँ पर लिटरेसी रेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर दस का राइट आंसर हो जाएगा डी, लक्षद्वीप। फिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, ट्रांस महाद्वीप ये जो है महामार्ग जोड़ता है किससे, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, डार्विन को मेलबर्न से। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है यहाँ पे, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है, तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी। फिर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाती है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधारभूत उद्योग, 13 का राइट आंसर ए हो जाएगी। फिर हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन उद्योग अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ऊर्जा, एनर्जी जो हो जाएगी यहाँ पे राइट आंसर। फिर हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रही हो तो आप निश्चित रूप से आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं,
यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। फिर हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, स्लेम इस्पात उद्योग है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 16 का राइट आंसर डी हो जाएगी, महाराष्ट्र जो कि मुंबई हो गया। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, विलाई किस वर्ग का है, विलाई ऑफ विच कैटेगरी, तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औद्योगिक नगर इंडस्ट्रियल टाउन। फिर हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाती है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज़, ऑप्शन ए नॉर्वे, नॉर्वे जो है उच्चतम कोटि में माना जाता है। फिर हमारे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आ जाती है क्या चीज़, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी असम, असम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, यहाँ पे सभी जो है यहाँ पे स्थित है, आगरा पटना और कोलकाता सभी जो नदी के तट पर स्थित है, ये जो हो जाएगा भोपाल जो है एक नहीं स्थित है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चन है, जबकि हम लोग 21 पे आ चुके हैं, तो कमी क्वेश्चन और बाकी है, आप लोग आराम से देख लीजिए, मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल जन्य है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 21 नंबर का सी हो जाएगी, अतिसार, ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, मोर सक्सेसफुल इन क्या चीज़, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी डेनमार्क में, ऑप्शन बी डेनमार्क में। फिर हम लोग यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ITDP ये है क्या है, ITDP यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 23 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, कुछ कुछ यहाँ पे जो है कहीं कहीं डी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर बी होगी, राइट आंसर बी हो जाएगी। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी राजस्थान में, उदयपुर किस राज्य में स्थित है, तो 24 का राइट आंसर राजस्थान हो जाएगी, इन राजस्थान। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, तो यहाँ पे गेहूं राइट आंसर हो जाएगी, वीट। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यहाँ 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूंजीवाद, कैपिटलिस्टिक्स यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे अगला देख लेते हैं हम लोग, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी यमुना जो है, यमुना ज़्यादा प्रदूषित नदी मानी जाती है, यहाँ पे होती भी है। यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 28 का ए 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर, निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी व्यापार ट्रेडिंग। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, चलिए 5 ही क्वेश्चन और बाकी है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन क्या है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी रोपण कृषि, रोपण कृषि। फिर हम लोग अब 5 क्वेश्चन अब लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 31 नंबर ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी दक्षिण पूर्व एशिया। चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से भारत का पुरुष प्रवास की प्रमुख कारण कौन सा है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी सी काम और रोजगार, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन ये क्या है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 33 का सी मक्का, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगी। चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, पनामा नहर जोड़ती है, तो यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगी, यहाँ पे सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगी, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। चलिए हम लोग यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्न निम्नतम है, मतलब यहाँ पे लोअर है, किस में
लोवेस्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर 35 का हो जाएगी ऑप्शन ए हरियाणा को। फिर हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग के गेस क्वेश्चन से मैच किए हैं। अगर आप लोग गेस क्वेश्चन हमारा देखे होंगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच किए होंगे निश्चित रूप से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे। सो इस वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।